चाहे हमको करियर ना फाइनेंस पे बनाना हो या किसी और फील्ड में मेन इशू पता क्या आता है मेन इशू हमेशा ये आता है कि हमको रियलाइज ही नहीं होता कि हमको स्टार्ट कहां से करना है और खास करके जब से इंटरनेट आया है जब से यूट्यूब हैं आर आर सो मेनी मेरी कोई एक्स इंसान किसी कोर्स के बारे में बता रहा है कोई वाई इंसान किसी और कोर्स के बारे में बता रहा है तो वी आर स्टूडेंट्स काइंड ऑफ गेट कन्फ्यूज हमको कोर्स करना कौन सा है मेरे टाइम पे यूजअली क्या होता था लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती थी अब क्या होता है इट्स टू मच इफॉर्मेशन अगर लेट्स से हम फाइनेंस की बात को छोड़ भी देना लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट्स अकाउंट्स के आजकल इतने सारे कोर्सेस हो गए गया a किया, इतने सारे कोर्सेस है बेटर अच्छा कौन सा है, कौन सा है में बेटर मिलेगा, इंडिया पर तो तो मैंने पहले वीडियो बना दी बट इन दिस वीडियो आई रियली हेल्प यू आउट विद माई ओन एक्सपीरियंस एंड टेल यू की टॉप फाइव फाइनेंस कोर्सेस कौन से है सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट करियर पॉसिबल आउट देर अब देखो ध्यान रहे ये वाली वीडियो मैंने पहले भी एक बार बनाई है बट थोड़ी और इसमें एडिशनल इफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ सो मेक श्योर आप इसको पूरा देखो एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर इसको देख ही रहे हो साथ में जस्ट हैव अ पेन एंड अ कॉपी ताकि सब आप लिख पाओ कोर्स नंबर वन पर जाने से पहले एक और बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में मैं सी ए कोर्स को काउंट नहीं करने वाला आई फील इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अकाउंट्स तो वो इसमें नहीं आएगा और ना ही इसमें आपका कोई बैचलर्स या मास्टर्स यानी कि एम बी एंड फाइनेंस भी मैं काउंट नहीं करने वाला हूँ दोज आ रही डिग्री कोर्सेज यहाँ पे मैं बात करूंगा अदर कोर्सेज दैन योर कॉलेज जो आप कर रहे होते हो साइड बाय साइड दैट हेल्प्स यू गेट द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज उनके बारे में बात करूंगा तीन में शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताऊंगा और दो में लॉन्ग टर्म कोर्सेज बताऊंगा लॉन्ग टर्म कोर्सेज समथिंग दैट टेक्स लिटिल मोर देन वन ईयर टर्म कोर्सेज एक दो महीने तीन महीने चार महीने में खत्म हो जाते हैं वो मोस्टली रेज्यूमे बिल्डिंग और स्किल्स गेन करने के लिए होता है long -term are for your overall resume, overall आपकी डेजिग्नेशन में काउंट होता है लॉन्ग टर्म कोर्सेज नंबर वन पे आता है सी एफ ए विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी क्वेश्चन सी एफ ए विच इज चार्टाइनेंशियल एनालिस्ट इज द नंबर वन कोर्स फॉर फाइनेंस इन द होल वर्ल्ड हंड्रेड परसेंट विदाउट अ डाउट इनफैक्ट बहुत सारी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ भी है फॉर एम बी एन फाइनेंस दे वेरी प्राउडली मैंशन कि यार हम तो सी एफ ए का सेवेंटी परसेंट करवाते हैं हम तो सी एफ ए का एट्टी परसेंट करवाते हैं सो इमेजिन कि अगर हम तीन लेवल सी एफ ए के कर ले हाउ मच नॉलेज ऑफ फाइनेंस वी आर गेनिंग कोई भी कोर्स इसके आसपास मेरे हिसाब से नहीं है मैंने खुद भी इसको किया हुआ है आई कैन गारंटी कि इसके ना जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी मैंने ना एफ आर में सीखी ना उतनी मैंने एम एस फाइनेंस में, में सीखी ना मैंने जो भी और सारे कोर्सेज किया है फाइनेंस के अंदर मैंने किसी भी कोर्स के अंदर इतनी डिटेल के अंदर कभी भी फाइनेंस को नहीं है सो यू शुड भी डूइंग इट अब सी के तीन लेवल्स होते हैं इसकी कॉस्ट क्या है कब देना होता है कब होता है स्कॉलरशिप कैसे मिलती है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो तीन वीडियो इस चैनल पे बना दी है आई ट्राई टू ऐड दम इन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन वरना आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो तो बिफोर यू मेक अ डिसीजन मेक श्योर आप सारे के सारे बॉक्सेस को टिक कर दो सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लो उन सी की वीडियो से एंड देन यू स्टार्ट परसुइंग इट बट हाँ पहले ये चारों कोर्सेज समझो आने वाले उसके बाद जाना उसके ऊपर नंबर सेकंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज एफ आर एम दैट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सी एफ में तीन लेवल होते हैं इसमें होते हैं दो लेवल आई हैव डन बोथ द लेवल्स आर एम एंड आई थिंक इट इज मोस्टली एट पार विद सी एफ ए बट एक डिफरेंस क्या आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट यानी कि एफ आर एम इज अ लिटिल मोर इनक्लाइन टूवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट वेर आर सी एफ एज वॉट मोरलेस पूरा का पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस सी एफ में आपको फिक्स इनकम भी पढ़ा देगा आपको इको भी पढ़ा देगा अकाउंट्स भी एथिक्स भी डेरेवेटिव भी, सब कुछ आ जाएगा जब तो आप एफ आर एम में जाते हैं वो कहता नहीं यार हम ना रिस्क मैनेजमेंट पर एट्टी परसेंट फोकस रखेंगे बाकी ट्वेंटी परसेंट फिक्स इनकम आ गया डेरेवेटिव आ गया बाकी चीजें पढ़ाएंगे लेकिन एटी परसेंट फोकस क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क और साथ ही साथ मार्केट रिस्क ये लेवल टू के मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स का नाम भी यही है तो ये सब कुछ कवर होता है एफ आर एम में अगर मैं छोटी सी एक लाइन में समअप करूँ तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग है सी एफ एज द नंबर वन कोर्स इन द वर्ल्ड फॉर फाइनेंस एंड एफ आर एम इज द सेकेंड बेस्ट फॉर फाइनेंस बट नंबर वन फॉर रिस्क मैनेजमेंट तो यूजअली क्या होता है इट हैपन्स विद एवरी वन इंक्लूडिंग मी हमको ना पता नहीं होता कि स्पेसिफिकली हमको रिस्क मैनेजमेंट में ही जाना है सो पीपल डोंट टेंट टू डू एफ आर एम फर्स्ट और दे डोंट प्रायोरिटाइज एफ आर एम फर्स्ट बट अगर आप श्योर हो इस चीज़ को लेके तो पहले एफ आर एम करो देन सी एफ ए करो बट अदरवाइज अगर एक ही पिक करना है और अगर क्लियर नहीं है कि फाइनेंस में कौन सी फील्ड में जाना है देन गो विद विदाउट अ डाउट अब शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे बढ़ने से पहले जो हमारे तीन शॉर्ट टर्म कोर्सेज रह गए हैं उस पर बढ़ने से पहले ना मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करता हूँ एंड अब तक यार फिर वॉचिंग वीडियो आई वु रिली रिकमेंड यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहली बार हो बिकॉज ऐसी काफी सारी वीडियो में डालता रहता हूं एंड दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं ले रहा हूँ बट इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है लेट मी नो द क्वेश्चन और साथ ही साथ जो भी मोस्ट लाइक टॉपिक होता है उसमें मैं वीडियोस भी बनाता हूँ सो so, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि यार ईशान मास्टर्स अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमको सी एफ ए या एफ आर एम करने की जरूरत है या नहीं ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि जब भी मैं सी एफ ए के बारे में बात करता हूँ ये क्वेश्चन आ ही जाता है और मैंने प्रैक्टिकल आंसर दूंगा मैं कोई थ्योरिटिकल आंसर नहीं देने वाला या मैंने किया है तो मैं हाँ बोल दूंगा या मैंने नहीं किया तो मैं ना बोल दूंगा ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला एक छोटी सी एक्टिविटी है खुद करना और बताना कि उसका रिजल्ट क्या आया लिंग प्लेटफॉर्म का नाम हम सब ने सुना हुआ है इन में जाना है हमको हमको ये भी बताया कि एम बी ए इन फाइनेंस के लिए टॉप कॉलेजेस इंडिया में कौन से है आई एम है एफ एम एस है ऐसे करके बहुत सारे कॉलेजेस है हम ट्राई करेंगे की टॉप फाइव कॉलेजेस के नाम लिंक पे सर्च बार में डाल जैसे ही हम ये करते हैं उसमें पीपल सेक्शन खुल जाता है उसके अंदर क्या आता है करंट स्टूडेंट्स की लिस्ट भी आ जाएगी बट करंट देखना एक साल जो पास कर चुके होंगे उनको देखना 2019 बैच 2021 2 ट्वेंटी ऐसे वाले कोई भी आप उठा सकते हो ट्राई करना तीस प्रोफाइल्स देख पाओ ऊपर ऊपर से थर्टी प्रोफाइल्स देखना हार्डली टेक्स एनी टाइम मतलब पांच दस सेकेंड पर प्रोफाइल कर लो आप कैलकुलेट आई कैन गारंटी यू टू ऑफ देम हैव सेव डी एफ एफ आर एम इफ दे हैव डन देर एम बी एन फाइनेंस टॉप कॉलेज तो इंडिया का बिल्कुल नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री कॉलेज से एमबीए फाइनेंस कर रहा है वो इंसान वो स्टूडेंट तक अगर सी एफ एफ आर एम कर रहा है दोनों सब्सटीट्यूट कोर्सेस नहीं है इससे क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एमबीए कर लूंगा ना तो सी एफ ए नहीं करूंगा अगर सी एफ ए कर लूंगा तो मैं एमबीए नहीं करूंगा ऐसा नहीं होता है दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज है मतलब अगर मैंने एम बी ए किया और साथ में अगर मैं सी एफ ए

देन अपना मास्टर्स करो मास्टर्स के साथ में कर लो या मास्टर्स के बाद जो जॉब लगती है उसके साथ में कर लो बट ट्राई करो कि उसको उसी फेज में ही कंप्लीट कर लो इट विल गेट यू द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज ये था क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर टू लेंगे एक और क्वेश्चन आएगा ईशान आप ना यार सीएफपी पे वीडियो बनाओ या फिर सीएफपी क्यों नहीं आया इस लिस्ट के अंदर कोई कह गया यार सीएम भी तो होता है सीएमटी भी नहीं आया ऐसे करके चार पांच और कोर्सेज है देखो आई कैन टेल यू विद माई ओन एक्सपीरियंस ये कोर्सेज डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं सी एफ पी सी एम टी एन ऑल बट ट्रस्ट मी यू कान डू ऑल ऑफ देम दू नीड टू पिक द वस दैट आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कोर्स करिकुलम ब्रांड वैल्यू मार्केट वैल्यू और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सी एफ एंड एफ आर एम इन चारों के चारों पॉइंट में टॉप करता है और ये सारे नहीं करते हैं इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोर्सेज अच्छे नहीं है ये कोर्सेज बस सी एफ ए और एफ आर एम जितने अच्छे नहीं है अगर आपने सी एफ ए कर लिया है? एफ आर एम कर लिए आने वाले जो मैं तीन शॉर्ट टर्म कोर्सेज बता रहा हूँ वो भी कर लिए मास्टर्स भी कर लिया फिर भी मन कर रहा है पढ़ाई करने का तो ये कर लेना बट अदरवाइज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे ये सारे कोर्सेज नहीं होने चाहिए सी एफ एफ आर एम फॉलोड बाई दी शॉर्ट टर्म योर मास्टर्स इतना भी कोई नहीं करेगा इसका अगर आप आधा भी कर लो यू विल हैव द बेस्ट पॉसिबल प्रोफाइल इसका अगर आप हाफ भी कर लेते हो तो डोंट फॉल इन टू दो अदर कोर्सेज की वो आसान है वो एक दो हजार सस्ते हैं या वो थोड़े कम टाइम में हो जाएंगे जो चीजें आसान है और जो चीजें थोड़े कम टाइम में हो रही है ना उसकी उतनी वैल्यू भी नहीं होती टू बी वेरी ऑनेस्ट तो उन पे ध्यान नहीं देना है पचास लोग बोल दें सौ लोग बोल दें ट्रस्ट में ही नहीं ध्यान देना उस पर इनको ही मेन फोकस रखना है। अब आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक पे वो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज का ये जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज है ना इसकी ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियोस बना दी उसको देख भी लेना लेकिन ये सारे कोर्सेज टाइम लेते हैं दो से तीन साल एफ आर एम डेढ़ साल के आसपास ले लेता है ये तीन कोर्सेज एक से दो महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में आई थिंक दो हजार से लेकर दस हजार के बीच में सारे के सारे हो सकते हैं और इनकी वैल्यू रेज्यूमे वाइज बहुत अच्छी है ऑब्वियसली सी एफ एच जितनी अच्छी नहीं होगी बट इनकी एक जो होता है ना कि इनका पर्पज क्या है वो पर्पस टोटली अलग होता है रेज्यूमे बिल्डिंग स्किल बिल्डिंग एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट तो उसके बारे में बात करते हैं नंबर वन पे आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है डू चेक इट आउट आई ट्राई टू पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन उसको देख लेना वो वाली वीडियो अगर आप देखोगे यू विल रियलाइज कि फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है कैसे कंपनी के बारे में हम आगे प्रडिक्शन करते हैं कैसे हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोर्स है उसके बारे में मैंने इतना कुछ बताया अपना खुद का एक्सपीरियंस मैंने ग्रैंड थॉटन के साथ में शेयर किया हुआ है उसमें क्या होता है क्या उसका पर्पस है उसकी वैल्यू क्यों और कितनी ज़्यादा है वो सब कुछ मैंने एक डिटेल्ड दस बारह मिनट की वीडियो में बताया है उसको जाके देख लेना कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ उसमें कवर है और उसके अंदर एक्सेल भी कवर है और वो बाकी चीज़ें भी कवर है सो मेक श्योर यू चेक इट आउट फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ द थर्ड कोर्स ऑन द लिस्ट नंबर वन पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज में नंबर टू का आता है एन सी एफ एम कोर्स और यहीं से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी पहला दिन कॉलेज का मुझे आज भी याद है मैं बैचलर्स में था भगत सिंह के अंदर बी कॉम ऑनर्स के अंदर और जिस दिन मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था उसी शाम को मैं एन के सेंटर पे गया हुआ था ये वाले कोर्सेज करने के लिए सो दीज कोर्सेज आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड एवरीथिंग फॉर मी स्टार्टेड राइट फ्रॉम हेयर सो एन सी कोर्सेज क्या होता है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो एन और बी करवाते हैं इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं फिफ्टी टू सिक्सटी कोर्सेज़ हैं इसके अंदर क्या हमको सारे करने हैं नहीं हमको करना है या फिर एक कोर्स या दो कोर्सेज उनके नाम मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर बट हाँ ध्यान रहे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है इसके ऊपर भी बिकॉज होता क्या है ये सारे के सारे जो अलग अलग मैंने कोर्सेज बताए ना इनकी डिटेल्स काफी सारी है आपको सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है एंड देन डिसाइड करना है कि मुझको क्या करना है मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने कुछ फेवरेट एग्जाम्स uh, बता दिए बट वो उन वीडियोस के अंदर यू नीड टू चेक देम आउट वहां से आप पिक कर सकते हो एग्जैक्टली वही पर्टिकुलर एग्जाम्स सो नंबर फिफ्थ पे आता हूँ फिर फाइनल बताता हूँ फिफ्थ पे है एनआईएसएम के कोर्सेज एन कंडक्ट होता है बाय सेबी सो वो वाले कौन से होते थे एन और बी से ये कौन से होते हैं से से so, सो मैंने एक और डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने फोर्थ पॉइंट के बाद बोला था कि मैंने एक वीडियो बनाई है विच इज मर्जिंग विद द फिफ्थ पॉइंट फोर्थ पे मैंने बताया एन सी के साठ कोर्सेज है और वो किसके थ्रू होता है फिफ्थ मैंने बताया एन आई उसके भी बीस पच्चीस कोर्सेज है वो किसके थ्रू होता है सेबी के थ्रू सो एन सी एफ एम के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये भी बताया कि सिक्सटी प्लस ट्वेंटी इन एट्टी कोर्सेज में से कौन से दो या तीन कोर्सेज आपको करने हैं मैंने कौन से किए थे इनका बेनिफिट क्या है इनकी कॉस्टिंग क्या है इनका स्ट्रक्चर क्या है कब होते हैं कैसे होते हैं सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया तो समेट आप इस वीडियो को फर्स्ट कोर्स सी एफ ए नो डाउट नीड्स टू बी डन नंबर वन कोर्स इन द वर्ल्ड फॉर फाइनेंस फॉलोड बाई एफ आर एम नंबर वन फॉर रिस्क मैनेजमेंट नंबर टू ओवरऑल ये दोनों है आपके लॉन्ग टर्म कोर्सेज डिटेल वीडियो इन दोनों की अवेलेबल है चैनल के ऊपर नंबर थ्री पे आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग विदाउट अ डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स स्किल बिल्डिंग वाइज इससे ऊपर कोई कोर्स आ ही नहीं सकता कंप्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स है बाकी सारे थियोरेटिकल कोर्सेज है अगेन अ डिटेल वीडियो ऑन दिस इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल इट नंबर फोर और नंबर फाइव एनसीएफएम और एनआईएसएम आई और सेबी कि जो कोर्सेज है उसके बारे में भी मैंने बताया है अस्सी कोर्सेज है कौन से कोर्सेज करने हैं कैसे होते हैं सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है चैनल को अच्छी तरीके से स्क्रोल मारो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूंगा उनको देखो एंड देन यू मेक अ वाइज डिसीजन अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हो अलॉन्ग विद यू नो कवरिंग अप अदर थिंग्स की आपने इंटर्नशिप्स कर रखी है यू हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस यू हैव डन योर एम बी ए ट्रस्ट मी कोई भी इंसान कोई भी ताकत आपको दुनिया में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस में लेने से नहीं रोक सकती है नथिंग विस्ट स्टॉप यू वॉन्ट टू बम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर यू वॉन्ट टू वक एज एन इक्विटी रिसर्च एनलिस्ट कुछ भी बनाओ इन सब के थ्रू वो पॉसिबल है बस थोड़ा सा एफर्ट एंड ट्रस्ट भी बहुत डुएबल है अपने कॉलेज के थर्ड ईयर के अंदर आई वॉज हेडिंग अ स्पोर्ट्स ट्रीम आई वॉज हेडिंग अ सोसाइटी आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी उसके बाद भी आई वॉज रनिंग फिन लैडर एंड साथ ही साथ मैंने एफ आर एम कंप्लीट कर लिया था दोनों के दोनों लेवल और मैं अपनी सी एफ ए की प्रिपरेशन कर रहा था दैट इज़ ऑल पॉसिबल ट्रस्ट में थोड़ा सा एफर्ट डालना यार थोड़ा सा एफर्ट हो जाएगा इसके अलावा अभी भी कोई क्वेश्चन है लेट मीन इन द कमेंट्स टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और मुझे बताना अपना एक्सपीरियंस इस सारे कोर्सेज करके